बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। तुम लोग सेक्रेटरी की जॉब भी इसलिए करती हो कि बाबा जैसे शरीफ लोगों को ट्रैप करके उनसे शादी कर सको। ये लड़की आपकी बेटी की उम्र की है और आपने इससे शादी कर ली, ऐसा क्यों किया आपने? बेटा मैं सब कुछ बताता हूँ। आपने ये भी नहीं सोचा कि 3 दिन बाद आपकी अपनी बेटी की शादी है, क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेरे ससुराल वालों पे? कैसे सामना करूंगी मैं उनका? वो लोग कितनी बातें बनाएंगे हमारे बारे में। अपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा मामा। बेला तुमने जो भी किया ना, तुम प्लीज मुझे बोलो। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। तुम तो बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। बेटा, मेरी शादी से तुम्हारे और सारम के रिश्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सबको समझा दूंगा। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? आपके इस फैसले से हम सबकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। ये देखें, सारम की कॉल आ रही है। मैं क्या बोलूं उसे, किस मुंह से बताऊं कि आपने शादी बाबा, अगर आपको शादी करनी थी तो उस वक्त कर लेते ना, जिस वक्त हम लोग छोटी थी, जब हमें एक माँ की जरूरत थी। लोग क्या कहेंगे कि हसन हयात साहब ने अपनी रिसेप्शनिस्ट से शादी कर ली। सारा, तुम खामोश हो जाओ। ये हमारा घर है और इस घर में हम किसी दूसरी औरत को अपनी माँ की जगह नहीं लेने देंगे। तुम अभी निकलो यहाँ से। मैं मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? जहाँ भी जाओ वो हमारा मसला नहीं है, लेकिन इस घर से अभी फौरन चली जाओ। सारा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये शादी हमने बहुत मजबूरी में की है। ऐसा तो बहुत शरीफ और अच्छे इंसान है, मैं तो इनकी बहुत इज्जत की बात मत करना। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। तुम लोग सेक्रेटरी की जॉब भी इसलिए करती हो कि बाबा जैसे शरीफ लोगों को ट्रैप करके उनसे शादी कर सको। शादी करने में तो तुम कामयाब हो गई हो, मगर ये हरगिज मत सोचना कि तुम हमारे बाबा को हमसे दूर कर लोगी। बेटा, दुनिया की कोई ताकत मुझे तुम दोनों से अलग नहीं कर सकती। अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम दोनों पर इसको फौकियत दूंगा? इस घर में सिर्फ बीवी की हैसियत से रहेगी, लेकिन तुम लोगों की माँ की जगह कभी नहीं ले सकती, और ना ही मेरे दिल से तुम दोनों की मोहब्बत खत्म कर सकती। अगर आपको हमारी जरा भी परवाह होती ना, तो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार सोचते। आपने दिल तोड़ दिया है हम दोनों का बाबा, आपने शर्मिंदा करवा दिया हमें सबके सामने। आप तो हर बात हमसे डिस्कस करते थे ना बाबा, तो ये इतनी बड़ी बात आपने हमें बताया तक नहीं। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, इन्होंने इतना बड़ा कदम मेरे लिए उठाया है। ये सब कुछ इतना एक्सीडेंटली हुआ, तुम लोग मेरा यकीन करो प्लीज। शादियां एक्सीडेंटली नहीं होती हैं। ये सब इस औरत का बिछाया हुआ जाल, इसने ट्रैप किया है बाबा को इस सब में। सुबह तक ये बात पूरी सोसाइटी में फैल जाएगी। घर के मुलाजिम मजाक उड़ाएंगे हम लोगों का। अभी तो सारिम की फैमिली का भी रिएक्शन आना, उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी ये बात। सारा, बस खामोश हो जाओ। एहसन कह रहे हैं ना, वो उनसे बात करेंगे, समझाएंगे उन्हें। सारिम की कॉल आ रही है, मैं क्या बताऊं उसे, किस मुंह से बताऊं जो कुछ आपने किया हमारे साथ। Assalamualaikum. Please subscribe to ARY Digital YouTube channel for amazing content.